देखिए आप 241 दिन हो गए हैं हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए। हम डे वन से हमारी एक ही डिमांड थी, हिंदुओं की टारगेट ही नहीं हो रही है। जो कश्मीरी वैली है वहाँ पे माइनॉरिटी सेफ नहीं है, उनको टारगेट करके किलिंग की जा रही है। जैसा कि आप हमने रजौरी में भी देखा कि घरों में घुस के प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन उनके आधार कार्ड देख के उनको किलिंग हो रही है। तो हम भी यही कह रहे हैं, हम सरकार से डे वन से यही बात कर रहे थे कि टारगेट किलिंग हो रही है, प्लीज आप उनपे कोई संज्ञान लीजिए। माइनॉरिटी सेफ नहीं है, हिंदू सेफ नहीं है वैली में। हमारा ये प्रोटेस्ट 241 डे से चल रहा है क्योंकि हमारे ब्रदर राहुल भट्ट जो शहीद हुए थे, पूरन जी हुए हैं, उन सबको एज ए माइनॉरिटी ही मारा गया, हिंदू टारगेट के लिए ऑफिस वर्क प्लेस के अंदर मारा गया है। तो हमारी यही डिमांड है कि हमारा रिलोकेशन कीजिए, हमें अटैच कर दीजिए रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में, जब तक कि वहां पे हालात सेफ नहीं। एप्लीकेशन हमारी होम मिनिस्टर साहब के लिए है, हम उनको अपनी तरफ से एप्लीकेशन आप सेंड कर रहे हैं, जिसमें यही हमने सेम डिमांड रखी है कि हमें अटैच कर लीजिए रिलीफ कमिश्नर ऑफिस, रिलोकेट करिए जब तक कि कश्मीर वैली में जो हालात है वो सेफ हो।